हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक। खाते पीते रहिए, आप सभी का मेरे चैनल पर बहुत बहुत स्वागत है। आज मैं बना रही हूँ काले चने की सब्ज़ी, जिसको ना तो मैं तलने वाली हूँ और ना ही मैं भाप में पकाने वाली हूँ, और ये बिल्कुल चिकन और मटन का स्वाद देने वाली सब्ज़ी है। डेली यूज़ के ही मसालों का हम प्रयोग करने जा रहे हैं इसमें, ना तलना ना भाप में पकाना। तो चलिए शुरू करते हैं। एक छोटी कटोरी मैंने काले चने लिए हैं जो भीगे हुए हैं पहले से, इनको मैं ग्राइंडर जार में डाल रही हूँ। दो बड़ी लहसुन की कलियाँ, 10 से 15 करी लीव्स कड़ी पत्ते, दो हरी मिर्च, एक चौथाई छोटा चम्मच जीरा, नमक स्वाद के अनुसार, एक बड़ा चम्मच ताज़ा दही। सबको अच्छी तरह से पीस लेंगे। पीसने के बाद हमारा पेस्ट कुछ इस तरह से होना चाहिए। इसमें मैंने एक भी बूंद पानी नहीं मिलाया है और ये थोड़ा सॉफ्ट भी है, और मैं इसको जो भी शेप दे रही हूँ ये आसानी से ले रहा है। देखिए, लड्डू का शेप ले लिया इसने थोड़ा सा। ज़्यादा पतला पेस्ट हमारा ग्रेवी में घुल सकता है, इसलिए हमें इसी तरह का ही पेस्ट बनाना है। पेस्ट में हम एक छोटी प्याज बारीक कटी हुई मिला रहे हैं और एक बड़ा चम्मच कॉर्नफ्लावर, इसकी जगह पर बेसन भी मिलाया जा सकता है। सबको बहुत अच्छी तरह से हमें मिक्स करना है। हाथों में थोड़ा थोड़ा लेते हुए हम इसकी छोटी छोटी बॉल्स बनाएंगे। बॉल्स बन जाने के बाद हमें अपनी सभी बॉल्स को फ्रिज में रख देना है 10 से 15 मिनट के लिए, जिससे कि ये पानी ना छोड़ें। दोस्तों, वीडियो को स्किप किए बिना अंत तक बने रहिए। मीडियम आंच पर दो बड़े चम्मच हम तेल गरम करेंगे और इसमें हम 1 इंच टुकड़ा दालचीनी का डालेंगे और एक बड़ी इलायची डालेंगे, एक छोटी हरी इलायची, दो लौंग डालेंगे और दो ही तेज़पत्ती डालेंगे हम इसमें। 10-15 सेकंड पकाएंगे और उसके बाद दो बड़ी बड़ी बारीक कटी हुई प्याज भी हम अपने तेल में डाल देंगे और चलाएंगे। दोस्तों, इस सब्ज़ी की सबसे अच्छी बात यह है कि हमें इसे अलग से ना तो तलना है ना ही भाप में पकाना है। दो बड़ी हरी मिर्च डालेंगे हम इसमें, 10 से 15 कड़ी पत्ते, आधा चम्मच अदरक लहसुन का पेस्ट। सबको अच्छी तरह से मिलाते हुए पकाएंगे। हल्का भूरा होने तक हमें पकाना है इन सबको। नमक स्वाद के अनुसार ले रही हूँ मैं, आधा छोटी चम्मच हल्दी पाउडर, 1.5 चम्मच छोटा धनिया पाउडर, 1 छोटी चम्मच कश्मीरी लाल मिर्च। सबको मिलाते हुए चलाएंगे। जब मसालों से तेल अलग होने लगे तो हम इसमें 3 मीडियम साइज टमाटर की बनी हुई पेस्ट भी मिला लेंगे, चलाते हुए मिक्स कर लेंगे। मसाले को तब तक पकाएंगे जब तक तेल इसमें से अलग ना हो जाए। 1 छोटा चम्मच कसूरी मेथी मिलाएंगे मसाले में, मिक्स कर लेंगे मसाले के साथ। 1 कप पानी डालेंगे मसाले में, या फिर अपने ज़रूरत के हिसाब पानी कम या ज़्यादा भी हम रख सकते हैं। ग्रेवी में 1 उबाल लगाएंगे हम, हीट को बिल्कुल धीमा कर लेंगे और अपने बनाए हुए चने के बॉल्स को धीरे धीरे ग्रेवी में हम रखेंगे। ग्रेवी को हमें बिल्कुल भी नहीं चलाना है चमचे से या किसी भी चीज़ से, ना ही हिलाना है। 5 मिनट तक बिना से हिलाए कवर करके हम पकने देंगे। 5 मिनट बाद ढक्कन हटाकर अपने सभी बॉल्स को पलट लेंगे।
बहुत ही ध्यान से हमें अपनी बॉल्स को पलटना है, क्योंकि ये एक तरफ से पकी हैं, दूसरी तरफ से अभी तक कच्ची हैं। दोबारा से ढककर 5 मिनट के लिए और पकाएंगे। बॉल्स हमारी अंदर तक पक चुकी हैं, देखिए, लेकिन सब्ज़ी अभी तक हमारी बनी नहीं है। ग्रेवी को अच्छी तरह से चलाएंगे हम। आधा छोटा चम्मच गरम मसाला डालेंगे। मैं यहाँ पर MDH का मीट का मसाला यूज़ कर रही हूँ। इससे बहुत ही बढ़िया स्वाद और खुशबू दोनों ही आते हैं, बिल्कुल मीट जैसा इसमें स्वाद आएगा। मसाला डालने के बाद इसको 1 मिनट के लिए हमें दोबारा से पकाना है। दोस्तों, वीडियो पसंद आए तो उसे लाइक शेयर ज़रूर कीजिए और मेरे चैनल को भी सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिए। कढ़ाई को आंच से उतार लेंगे। कटी हुई धनिया की पत्तियां और ताज़ा इसमें हम मिल्क क्रीम मिलाएंगे। वीडियो को देखने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया।